नमस्कार दोस्तों, मैं गिरा हुआ। मैंने वीआईपी विजेंदर जी का वीडियो देखा और बहुत सारा कमेंट भी आ रहा है कि वीआईपी विजेंदर जी के बारे में कुछ बोलिए, लेकिन मैं थोड़ा सा इनके लिए दिल में थोड़ा सा मेरा भाई प्यार रहता है। सिंपल बात है, क्यों? क्योंकि इन्होंने भोजपुरी के जब शुरुआत हुआ था तब से भोजपुरी को मेहनत कर करके आगे इन्होंने बढ़ाया है और सबको सुख दुख में एनी टाइम बोले हैं। एक वैसा इंसान होता है ना, कचड़े इंसान, जो एनी टाइम जब भी दुख होगा तो झूठो मूठों के लाइव आएगा, विवाद करेगा, तो उन लोगों के रिलाई करने में मजा आता है। सिंपल बात है, लेकिन ये इंसान वीआईपी विजेंदर जी सुख में भी काम आते हैं और दुख में भी काम आते हैं। और ऐसे इंसान यदि कुछ बोल रहा है, इसका मतलब उनके बात में कुछ ना कुछ सच्चाई है, या तो उनके दिल हट हुआ होगा, क्योंकि खेसारी भैया के अच्छे मुद्दा में भाई सपोर्ट करते हैं। अगर ये बोल रहे हैं मैनेजर जी को, विवेक सिंह जी को बोल रहे हैं, अखिलेश कश्यप जी के बारे में बोल रहे हैं, तो उनका मुद्दा सिर्फ एक है कि क्या अग्रमेंट के स्टाइल पढ़ा नहीं गया था? आप इतने तेज हो, तरार हो, इंग्लिश में बोल भी देते हो, लेकिन जहां पढ़ने की बात आई तहां आप क्या कर रहे थे? पढ़ा नहीं गया ये अग्रमेंट? क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा गया है? 55 पेज का है भाई। तो ये वीआईपी विजेंदर जी का नाम है, अब बताओ उनके बातों में सच्चाई है या झूठ है? अच्छा, वीआईपी विजेंदर जब खेसारी भैया का अच्छे गाना आए या अच्छे फिल्म आए तो वो सपोर्ट करते दिखाई देते हैं, लेकिन जहां चीज ये हर एक मुद्दा बोलते हैं, किसी सुपरस्टार के मुद्दा बोलते हैं, मुझे बात सही लगता है। क्योंकि भाई मैं तो अभी वीडियो बना रहा हूं ना, मेरा जन्म नहीं हुआ था तब से भाई वो कैसेट के युग में ही भोजपुरी को आगे बढ़ाए, तो ऐसे लोगों के बारे में मैं गलत कैसे बोल सकता हूं? उन्होंने एक टका बात भी गलत बोला है तो बताइए कि हाँ यहां पर गलत बोले हैं। उन्होंने बस ये कहा है कि फेसबुक पर झूठा मूठा लाइव आना, और जहां मेन मुद्दा था एग्रीमेंट पढ़ना था वहां क्या कर रहे थे, यही बोल रहे थे ना भाई, और उन्होंने कुछ नहीं बोला है। क्या खेसारी भैया के बारे में कुछ गलत सलत बोला है? तो नहीं भाई। आज जो बोल रहे हैं, अच्छे चीजों के लिए सपोर्ट भी किए हैं, तो भाई उनका दिल का गहरा दोस्ती है खेसारी भैया से, तो बोला। एक होता है ना कचड़ा आदमी, जो जैसे कि एक म्यूजिक डायरेक्टर है, वो एनी टाइम जब भी आएगा, जब खेसारी लाल यादव दुख में पड़ते हैं तब खेसारी लाल यादव को टारगेट करने आता है, तो उसको बोलने में और इनके बोलने में अंतर होता है। इनको मैं धरोहर मानता हूँ और बहुत ही हमारे दिल में सम्मान रहता है इनके लिए, इसीलिए सॉरी, लेकिन अगर उनके बातों में अगर झूठाई है या उनको टारगेट कर रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मुझे भाई नहीं लगता, क्योंकि ये हरदम सपोर्ट इंसान किया है वीआईपी विजेंदर जी, बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है, खैर मैं चलता हूँ, अगर सॉरी कुछ बुरा लगा हो तो बता, आप लोग कमेंट कर सकते हो इनके मैटर पर। ठीक है।